Students. So now we will start exercise 13.2 and the first question is which of the following are in inverse proportion? Yahan find out karna hai kya kya cheeze inverse proportion means opposite proportion mein. So first is the number of workers on a job and the time to complete the job. Number of workers and time ye dono ka jo relation hota hai wo inverse opposite hi hota hai. Because if we add more workers in a factory, so then they will complete earlier the job. वो उस work को job को जल्दी complete कर लेंगे. So time कम लगेगा. So means workers increase होंगे तो time less हो जाएगा. इसीलिए ये inverse proportion में. Then second, the time taken for a journey and the distance travelled in a uniform speed. तो स्पीड हमारी सेम है और अब अगर हम टाइम कहीं जर्नी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा हम टाइम लेंगे और उसी स्पीड से चल रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर करेंगे. सो मीन्स स्पीड सेम है तो टाइम इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. सो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. देन थर्ड, एरिया ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. सो कल्टीवेटेड लैंड, लैंड का जितना पार्ट कल्टीवेट हो रहा है उतनी ही ज़्यादा क्रॉप वहाँ हार्वेस्ट होगी. सो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. देन फोर्थ, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी. फिक्स्ड है जर्नी, डिस्टेंस फिक्स्ड है और स्पीड जो है, तो स्पीड अगर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी, तो टाइम कम लगेगा हमें. सो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है. देन फिफ्थ, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. सो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी अगर किसी कंट्री की, तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन जो है, पर पर्सन को जो लैंड मिल रही है वो एरिया डिक्रीज हो जाएगा. तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन अ टीवी शो द प्राइज मनी ऑफ 1 lakh rupees इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स. प्राइज मनी को हमें डिवाइड करना है विनर्स में और चेक करना है कि क्या प्राइज मनी, फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर is directly or inversely proportional to the number of winners. So if number of winners is 1, then price for each winner, उसी winner को 1 lakh rupees मिलेंगे. Similarly winners 2 हो जाएंगे तो then price for each winners 1 lakh में divide हो जाएंगे, so 50,000. Winners 4 हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, winners increase हो रहे हैं, so price money decrease हो रही है उनके लिए. So yes, ये inverse proportion में. नाउ सिमिलरली 4 विनर्स हैं, सो हम जानते हैं कि टोटल प्राइस मनी 1 × 1 lakh. 1 विनर को 1 lakh मिल रहा है, सो टोटल प्राइस मनी 1 lakh है, तो 4 में डिवाइड करना है. सो 1 lakh डिवाइड बाय 4, इनको मिल जाएगी 25,000. देन 1 lakh डिवाइड बाय 5, 20,000. 1 lakh डिवाइड बाय 8, 12,500. 1 lakh डिवाइड बाय 10, 10,000. एंड 1 lakh डिवाइड बाय 25,000. सो ऐसे हम इनको डिवाइड करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. Then third question, Raman is making a wheel using spokes. He wants to fix spokes in such a way that the angle between the any pairs of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. So Raman is tarah se spokes laga raha hai ki unke between mein jo angle banenge wo same ho. Hum jante hain ki central angle ka measurement 360 degree hota hai. So now number of spokes, agar 4 spokes lag rahi hai, 1, 2, 3 and 4, तो उनका एंगल का, ईच एंगल का मेजरमेंट 360 डिवाइड बाय 4 90 degree होगा. 6 हैं स्पोक्स तो एंगल 60 degree हो जाएगा उनके बिटवीन में. सिमिलरली इसी तरह से स्पोक्स इंक्रीज करते जाएंगे तो उनके बिटवीन में जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएंगे. सो 360 degree को 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 degree, देन 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 degree, एंड 12 से डिवाइड करेंगे 360 को, सो वो हो जाएगा 30 degree. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द नंबर्स आर द नंबर, सॉरी आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. क्या नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स जो उनके बिटवीन में बन रहे हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है? सो यस, बिकॉज ये स्पोक्स इंक्रीज हो रही है तो एंगल्स डिक्रीज हो रहे हैं. देन सेकेंड, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन द व्हील इज विद 15 स्पोक्स. स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स 15 हो जाएगी तो उनके बिटवीन में जो एंगल होगा 360 degree को 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 24 degree. देन थर्ड, हाउ
many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree? अगर स्पोक्स के बिटवीन में 40 डिग्री के एंगल बन रहा है सो कितनी स्पोक्स की नीड होगी? 360 डिग्री को 40 डिग्री से डिवाइड करेंगे एंड आंसर 9 आएगा. सो 9 स्पोक्स इज नीडेड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन ईच विल गेट 5 स्वीट्स. 24 चिल्ड्रन को डिवाइड कर रहे हैं स्वीट्स और हर एक को 5 स्वीट्स मिल रही है. सो बॉक्स में कितनी स्वीट्स है? 24 × 5 = 120 स्वीट्स है. नाउ हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4? अगर हम चिल्ड्रंस को 4 से रिड्यूस मीन्स लेस कर रहे हैं सो नाउ चिल्ड्रन 20 हो जाएंगे. तो नाउ अब हर एक चिल्ड्रन चाइल्ड को कितनी स्वीट्स मिलेगी? सो टोटल स्वीट्स 120 है. 120 डिवाइड बाय 20 एंड आंसर इज 6. इस तरह से करेंगे हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं 24 एंड द नाउ 20. सो नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज हो जाएगी 5 है. सो नाउ x. सो टोटल स्वीट्स कितनी है? सो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इनवर्स में, डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 24 × 5 = 120 टोटल स्वीट्स है. सो देन x की वैल्यू नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट विल गेट हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 20 एंड आंसर इज 6. Then fifth, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. 6 days तक 20 animals को feed करने के लिए farmer के पास enough food है. So how long would be the food last if there were 10 more animals in his cattle? So 10 more कर दें, add कर दें, so total animals 30 हो जाएंगे. तो फिर food 20 animals के लिए 6 days तक चलता था, तो 30 animals के लिए कितने days तक चलेगा? So 20 × 6 120 एंड फिर इसको 30 से डिवाइड करेंगे. सो 4 डेज में ही वो फूड लास्ट मीन्स ख़त्म हो जाएगा. इस तरह से राइट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे. सो 20 × 6 एंड अपॉन में 30. सो एक्स की वैल्यू ऐसे आ जाएगी 4 डेज. Now 6, a contractor estimates that 3 persons could rewire Jasmine that's house in 4 days. Contractor ने estimate लगाया कि 3 आदमी मिलकर, 3 person मिलकर जैसमिंदर के house को rewire कर सकते हैं 4 days में. If he uses 4 persons instead of 3, अब अगर वो 4 persons use कर रहे हैं 3 की जगह, so how long would they take to complete this work? So 3 persons 4 days में कर रहे हैं, तो 3 × 4 = 12 days में 1 person 12 days में करेगा. नाउ 4 persons इंक्रीज हो गए हैं तो देन डेज हो जाएंगे 3 × 4 = 12 डिवाइड बाई 4 एंड 4 persons मिलकर उसको 3 days में कंप्लीट कर लेंगे. सॉल्यूशन का मेथड वो ही है, नंबर ऑफ persons, नंबर ऑफ डेज 3 persons इज 4 days. तो देन 4 persons के लिए कितने डेज हो जाएंगे? 3 × 4 एंड डिवाइड बाई 4, सो 3 days. Now, 7th question, a batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. Bottles का जो batch है उनमें 25 boxes हैं और हर एक box में 12 bottles हैं. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, so how many boxes would be filled? So कितने boxes fill हो जाएंगे? अगर इसी तरह से हम 20 bottles each box में पैक कर लें तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस फिल होंगे? सो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है? 25 बॉक्सेस है एंड 12 बॉटल्स है ईच बॉक्स में. सो 25 × 12 300 हो जाएगा. सो 300 टोटल बॉटल्स है एंड 20 बॉटल्स वन में पैक कर रहे हैं. सो 300/20 एंड इसका आंसर हो जाएगा 15. सो 15 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट हमें है. Then a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. Factory को 42 machines की need है 63 days में किसी आर्टिकल को, given number of articles को प्रोड्यूस करने के लिए. So then how many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? So then कितने machines की requirement होगी अगर वो same number of articles 54 days में प्रोड्यूस करना चाह रही है? तो इस तरह से करेंगे नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज. सो मशीन्स 42 यूज़ कर रहे थे 63 डेज के लिए, नाउ डेज डिक्रीज हो गए हैं
मशीन्स इंक्रीज होगी बिकॉज ये इनवर्स प्रोपोर्शन में. सो टोटल प्रोडक्शन 42 × 63 2646 है. सो देन एक्स की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ मशीन्स यूज होगी, इसमें हम 54 को डिवाइड कर देंगे. सो 49 मशीन्स आर रिक्वायर्ड. नाउ नाइन्थ, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h. सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन इट ट्रैवल कार ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h. सो स्पीड इंक्रीज हो गई है तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा. 2 hours में 60 km/h. सो 2 × 60 120 km का टोटल डिस्टेंस कवर अप करना है. सो 120 km को कवर अप करना है 80 km की स्पीड से. सो टाइम जो होगा 80 × 80 एंड फिर 40 km हो जाएंगे. वन टावर कंप्लीट हो जाएंगे एंड 40 km होंगे 80 km की स्पीड से 1.5 hours में. सो इसका आंसर 1.5 hours आएगा. Then 10-2 persons could fit a window in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? 2 persons 3 days में window fit करते हैं. अब उनमें से 1 person ill हो गया है तो जो remaining 1 person है उसको कितना time लगेगा? 2 persons को 3 days लग गए तो 1 person को 2 × 3 = 6 days लगेंगे. Increase हो जाएंगे days उसके. And अब अगर how many persons would be needed to fit the window in 1 day? अब अगर वो वर्क ही हमें 1 day में करना है तो 2 persons 3 days में करना है. सो देन 1 day में करने के लिए हमें कितने persons की नीड हो जाएगी? persons हो जाएंगे 6. 2 × 3 = 6. 3 days में 2 persons कर रहे हैं तो 1 day में करने के लिए 2 + 2 + 2 6 workers हमें लगाने होंगे. देन फिर 11th, ए स्कूल हैज 8 periods इन अ डे ऑफ 45 minutes. 8 periods 45 minutes के हैं ईच. सो हाउ लॉन्ग वुड दी ईच पीरियड इफ द स्कूल हैज 9 periods इन अ डे. एज्यूमिंग स्कूल आवर्स हैज टू बी सेम. स्कूल टाइमिंग सेम है, आवर्स जो है 8 periods हैं 45 minutes के. नाउ 9 periods कर दिए जाए तो ईच पीरियड कितने ड्यूरेशन का होगा? सो इस तरह से होगा नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड. 8 period 45 minutes और 9 period तो टोटल टाइम 8 × 45 360 minutes. तो द 9 periods के लिए टाइमिंग हो जाएगा 360 / 9 = 40 minutes. सो ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज विल बी 40 minutes.